आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। रायपुर के बूढ़ा पारा धरना स्थल पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, जहां बूढ़ा पारा धरना स्थल पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चल रहा है। दो दिवसीय इनका प्रदर्शन है और दूसरा दिन है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल का, और लगातार ये अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। बूढ़ा पारा धरना स्थल पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें रायपुर से, जहां कलेक्टर दर बढ़ाने की मांग को लेकर लगातार सभी प्रदर्शन कर रहे हैं। 10,000 से ज्यादा की संख्या में महिलाओं का आंदोलन है। प्रदेश भर से महिलाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल का दूसरा दिन है। बूढ़ा पारा धरना स्थल पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन किया जा रहा है, तो बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर कलेक्टर दर बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं महिलाएं। 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। मोहम्मद हसन ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। हसन, जिस तरह से बात करें, लगातार आज दूसरा दिन है, महिलाएं अपनी मांगों पर अड़ी हुई हैं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, अब तक कोई पहुंचा है? क्योंकि रात भर ये महिलाएं वहां पर इकट्ठी थी, प्रदेश भर से महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं और अपने छोटे छोटे बच्चों को भी साथ लेकर यहाँ धरना लगातार कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल श्वेता, यहाँ पर जो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता है वो कल बीते दिन से राजधानी रायपुर पहुंचे हुए थे। इनकी संख्या की बात करें तो मैं आपको दिखा दूं, 10,000 से ज्यादा की संख्या में जो है रायपुर के बूढ़ापारा धरना स्थल पर एकत्रित हुए। इनकी मुख्य तौर पर एक सूत्री मांग है, कलेक्ट्रेट दर जो है वो बढ़ाने की यहाँ पर मांग की जा रही है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस की सरकार जब चुनाव के समय में जो है चुनावी घोषणा पत्र में लिखा गया था कि इनका जो दर है वो बढ़ाए जाएंगे, लेकिन अब तक बढ़ाए नहीं गए, इसके बाद यह आंदोलन किया जा रहा है, मोर्चा खोला गया है। बात करें तो कल देर रात से राजधानी रायपुर में ही बूढ़ापारा धरना स्थल पर ही जो महिलाएं वो यहीं पर रुकी हुई थी, सोई हुई थी, और अभी इस वक्त की स्थिति आप देख पा रहे हैं 10,000 से ज्यादा की संख्या में आई हुई है, जहां पर जो इनके आंगनबाड़ी के जो समाज की जो यहां पर अध्यक्ष है उनसे सीधे बातचीत करेंगे, क्या मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है, किन किन जिलों से जो है महिलाएं जो है वो यहाँ पर आई हैं। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश भर से हमारी बहनें यहाँ उपस्थित है, और मात्र 10,000 नहीं, हमारी हजारों की संख्या में हमारी बहनें उपस्थित है। हमारी मुख्य मांग है शासकीय कर्मचारी घोषित करते तक कलेक्टर दर, जो जन घोषणा पत्र में हमको लिखित में दिया गया था जब हमने 50 दिन का आंदोलन किया, उसके बाद में शासन ने हमको लिखित में आश्वस्त किया था और बोला था कि बिल्कुल हमारी सरकार आएगी और आप लोगों की मांगे पूरी की जाएगी, लेकिन आज 3.5 वर्ष बीत चुके हैं लेकिन हमारे मांगों पर कोई सहमति बनते नजर नहीं आ रही है, जिसके कारण आज प्रदेश भर की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहने रोड पर भीषण गर्मी, आप समझ सकते हो 45 डिग्री से ऊपर चल रहा है, फिर भी बहने मजबूर है यहाँ पर संघर्ष करने लिए। और हमारी और अन्य मांगों में है कि हमारे रिटायरमेंट के बाद में हमको 5 लाख और 3 लाख रुपए दिया जाए, पेंशन ग्रेजुटी दी जाए और हम लोगों का बीमा भी दिया जाए, हमारी कार्यकर्ताओं को पदोन्नत दिया जाए, सहायिकाओं को भी पदोन्नत दे के कार्यकर्ता बनाया जाए, और हमारी प्रमुख मांगों में कि जितनी भी रिक्त पदे है कार्यकर्ता सहायिकाओं की उसको तत्काल भरा जाए। यहाँ पर एक और बात है कि आप लोग कल से आए हुए आंदोलन कर रहे हैं और कल देर रात भी यहीं पर रुके हुए थे। जी बिल्कुल, जितनी महिलाएं अभी आपको यहाँ पर दिख रही है ये सभी महिलाएं यहाँ पूरा रोड में सोई थी और रात भर संघर्ष करी हैं, बैठे रही हैं, आप समझ सकते हो कि जितना तापमान दोपहर का होता है उतना ही तापमान रात का होता है और वो जो डामर का रोड है वो बहुत जलता है, तो ये संघर्ष महिलाएं कर रही है और हमको समझ नहीं आता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमको क्यों। एक और बात है, आज आंदोलन कर रही है, क्या प्रशासन से किसी इस चीज को लेकर कोई बातचीत हुई है, कोई अधिकारी से बात हुई है? नहीं, अभी आंदोलन में हमारी किसी से बात नहीं हुई है और किसी ने हमको आश्वस्त नहीं किया है। वैसे तो लगातार जिनसे भी हम जो हमारे 50 दिन के पंडाल में जो मुख्यमंत्री बने जो विधायक बने वो लगातार आते थे, उनसे चर्चा करते हैं तो वो कहते हैं कि बिल्कुल आपकी मांगे पूरी होगी, लेकिन आज तक ये कब तक आंदोलन जो है वो चलने वाला है, मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो? जी कल दिन भर था और रात भर था, उसके बाद में आज हम 3 बजे जो भी अधिकारी वर्ग आएंगे उनको ज्ञापन सौंपेंगे कलेक्टर के द्वारा मुख्यमंत्री जी को और अपनी मांगों को मांगेंगे। हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी करें। तो देख सकते हैं आप कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो मौजूद है और आज जो 3 बजे है वो यहाँ पर अधिकारी आएंगे, कलेक्टर यहाँ पर पहुँचने वाले और उनको मुख्यमंत्री के नाम जो है ज्ञापन सौंपा जाएगा और अपनी मांगे पूरी करने के लिए यहाँ पर बात की जाएगी।
बिल्कुल हसन, हम देख पा रहे हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं। 3.5 वर्ष हो गए जिस तरह से गुहार लगाती हुई नजर आई हैं कि घोषणा पत्र में कहा गया था, वादा किया गया था, पदोन्नत ये चाहती हैं, रिक्त पदों को भरना चाहती हैं, पेंशन की मांग भी कर रही हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि अब यहाँ पर 2 दिवसीय इनका धरना है और ये कहा गया था इनकी तरफ से कि एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो आज किया जाएगा, तो अब क्या कुछ और तैयारी है जो इनकी तरफ से की जानी है आगे? बिल्कुल, देखिए कल दिन भर प्रदर्शन किया गया था महिलाओं के द्वारा, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, और आज एक बार फिर प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर प्रदर्शन जो लोग कर रहे हैं उनका वही कहना है कि अगर जो प्रदर्शन है, इनकी जो मांगे हैं मुख्य तौर पर, खास तौर पर जो मांग रखी जा रही है वो यही रखी जा रही है कि कलेक्टर दर जो है, अगर दर नहीं बढ़ाया जाता तो इसी तरह जो आंदोलन है वो जारी रहने वाला है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि अगर आज मांगे पूरी नहीं होती तो बड़ी, इससे भी बड़ी रैली के स्वरूप में जो है वो विरोध किया जाएगा। साथ ही सड़क पर उतरने की भी जो है वो यहाँ पर इनके ओर से जो है तैयारी बताई जा रही है। तो बिल्कुल देखना होगा क्या कुछ होता है। हजारों की संख्या में यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई और लगातार प्रदर्शन कर रही है। भीषण गर्मी हम देख रहे हैं इन दिनों कितनी है रायपुर में सबसे ज्यादा, और ऐसे में अपने बच्चों को लेकर भी यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई हैं। और अब देखना होगा क्या कोई अधिकारी यहाँ पहुंचता है और इनकी जो मांगे हैं वो पूरी कब तक होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन तमाम जानकारी के लिए।